आज के वीडियो का टॉपिक है डिस्काउंट ऑन सेल से रिलेटेड, जिसमें हम समझेंगे कि मुझे किसी भी सेल पर डिस्काउंट किस तरह से देना है और उसकी एंट्री कैसे करनी है, उसका लेजर किस तरह से क्रिएट करना है और साथ ही टैली प्राइम या टैली ईआरपी 9 में उसके लिए कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करने पड़ेंगे। इन सारे टॉपिक पे वन बाय वन करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आइए पॉइंट नंबर एक में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एंट्री कर रखी है आइटम की, सेल की, जो कि कैश से सेल मैंने किया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन सेल का एक लेजर भी है और यहाँ पे मैंने 540 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है। ये मैंने डिस्काउंट दिया है इस आइटम वाले जो 540 रुपये है उस पे। ओके, मान के चलिए टोटल वैल्यू पे भी आप मान के चलिए मैंने 540 रुपये दिया, तो ये मैं टोटल अमाउंट जो है 1076 रुपया आ चुका है। अब मैं इसे अगर जीरो करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1616 रुपये की अमाउंट यहाँ पे जनरेट होगी। अब पॉइंट समझने वाली बात, सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि इसका इफेक्ट जीएसटी पे पड़ेगा किस तरह से, आइए चलते हैं। सबसे पहले 540 रुपये का एंट्री कर लिया मैंने, एंटर कर दिया। अब मुझे 1076 रुपये पे ही टोटल टैक्स लगना चाहिए और टोटल टैक्सेबल वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो 1076 का ही सेल किया है, तो मैं उससे ज़्यादा का ना टैक्स भरूँगा और ना टैक्सेबल वैल्यू शो करूँगा। तो ये देखने के लिए कि क्या मुझे 1076 रुपये पे ही टैक्स लग रहा है या नहीं, आइए चलिए आपको लेकर के चलते हैं जीएसटी के यहाँ पर से आ जाइए डिस्प्ले में और यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाइए और जीएसटी रिपोर्ट में आ जाइए। जीएसटी रिपोर्ट में चल करके हम यहाँ पे जीएसटी R1 ओपन करते हैं। मैंने ये एंट्री दिसंबर में की है, तो 31 दिसंबर का हमने यहाँ पर लेजर खोल लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एंट्री आ चुकी है यहाँ पे, और कंट्रोल अल्ट F1 प्रेस करते हैं। 18% का मेरा कितना था, 17 रुपये, यही लेजर है या नहीं है ये भी देखने के लिए हम यहाँ से एंटर करेंगे। जहाँ से एंटर करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम है, 14 रुपये, 14% का 75 रुपये 60 पैसा, यानी कि 150 रुपये मान के चलिए कि जो कितना होगा 151 रुपया 20 पैसा। ओके, और इसका 141 रुपया 12 पैसा, टोटल यही टैक्स है दोनों। अब मुझे यहाँ पे 540 रुपये का डिस्काउंट दिया है तो इतना नहीं आना चाहिए ना, अब बैक करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या है ये देखिए, अब दोनों को हम जोड़ते हैं यहाँ पर, ये दोनों जोड़ करके कितना आ रहा है 1324 रुपया, सॉरी 1324 प्लस टैक्स कितना आ रहा है टोटल 292 रुपया, एंटर। ये देखिए 1616 रुपया आ रहा है, मतलब यहाँ हमने डिस्काउंट दिया, यहाँ डिस्काउंट देने के बाद भी मेरा जो है यहाँ पर टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है, जो कि ये एंट्री बिल्कुल ही गलत है। यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे अलग से 540 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि मैंने कितने का डिस्काउंट दे दिया 1080 रुपये का। फिर तो इधर मैंने डिस्काउंट भी दे दिया और इसके बदले में मैंने यहाँ पर जो माल मुझे सेल नहीं हुई जिसपे मैंने टोटल डिस्काउंट दिया था उस पर भी मैंने टैक्स जमा कर दिया। तो अब इस तरह की एंट्री को सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और कौन कौन से फीचर इनेबल करने पड़ेंगे, इस सारे पॉइंट का आज यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। इससे पहले आप मेरे प्रोफेशनल प्राइम चैनल पे आ जाइए, यहाँ से आपको टैली से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड जितने भी हैं, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप वन बाय वन करके यहाँ से ये सारे वीडियो को देख सकते हैं, खास करके एक्सेल में भी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से आप एक्सेल में यूज करेंगे टैली से रिलेटेड सारे पॉइंट को। और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम इस तरह के जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए चलिए टैली प्राइम पे, और सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह के इफेक्ट को, ये जो एंट्री है गलत एंट्री है, इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि आप आ जाइए F11 प्रेस कीजिए। F11 प्रेस कर लिया मैंने और यहाँ पे आप देखिए यू डिस्काउंट कॉलिमन इनवॉइस, इसको आप कर सकते हैं यस, और कंट्रोल इसे सेव कर लीजिए। सेव कर लिया, जैसे ही आप देख सकते हैं डिस्काउंट ऑन सेल जो मैंने 540 रुपये दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिस्काउंट इनेबल कर रखा है। अब आप दोबारा से देंगे तो ले ही लेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक हट चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये 540 रुपये का 100% डिस्काउंट देखता हूँ। और आप सबसे पहले आइटम देख लीजिए कौन सा है,
ये मेरा 28% है, मेरा 28% है ओके। और यहाँ पे मैंने 540 रुपये का डिस्काउंट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% डिस्काउंट दिया मैंने, 100% एंटर, 540 रुपये हट गया, 28% है। अभी ये देखिए यहाँ से 75 रुपया 76 आ चुका है ओके। अभी नहीं आया है क्योंकि इतना देखिए 0% है, पहले भी इतना ही था अभी भी इतना ही है। ये यहाँ शो करेगा घटेगा कैसे, तो ये देखिए 100% मैंने डिस्काउंट दे दिया। और यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे टैक्सेबल वैल्यू के नीचे मैं जैसे आऊँगा ये हट गया, 0 का 0 हो गया 0%, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हटते ही ये टोटल का टोटल 0 हो चुका है। और लेकिन यहाँ डिस्काउंट ऑन सेल, अब आपको ये भी देखना है कि मैंने यहाँ 100% डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन कभी मुझे अगर स्टेटमेंट निकालना पड़े कि मैंने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है सेल पे, तो वो आप इस पोजीशन में बिल्कुल ही नहीं निकाल पाइएगा। उसके लिए आपको दूसरा फीचर इनेबल करना पड़ेगा, और वो फीचर कौन सा है और कैसे उसको इनेबल करेंगे, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा लेजर से लेकर के GST तक, सब कुछ आपको वन बाय वन करके मैं अभी बताऊंगा। और साथ ही डिस्काउंट ऑन सेल का लेजर किस तरह से बनेगी वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए चलिए, अभी तो मैंने यहाँ पर 100% दे दिया है सेल, और इसका इफेक्ट भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये टैक्स हट गया है। चलिए एक बात होगी, और मान के चलिए मुझे कि यहाँ से ये 540 के बदले में 100% ना दे करके मुझे सिर्फ 200 रुपये का ही इसमें से डिस्काउंट घटाना है, 340 रुपये लेना है, तब आप यहाँ पे ये सिर्फ परसेंटेज में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, अमाउंट में नहीं कर पाइएगा। और साथ ही यहाँ पे ये डिस्काउंट ऑन लेजर का इफेक्ट नहीं होगा, दोनों ही प्रॉब्लम इसमें है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं बिल्कुल ही सेव। अब ये आ चुका है टैक्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा फीचर कौन सा इनेबल करेंगे। पहला फीचर तो F11 प्रेस मैंने कर लिया, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं। अब इसे हम क्या कर दिए, डिस्काउंट वॉल्यूमन इनवॉइस को मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, नो कर दिया, पहले यस था नो कर दिया, और इसे हम सेव कर लिए ओके। सेव करते ही यहाँ से ये अब ये हट चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, हम कौन सा इनेबल करेंगे, तो F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करेंगे और थोड़ा सा नीचे आप आइएगा, और यहाँ देखिए प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप कर दीजिए यस, और कंट्रोल से सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करिएगा, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का ऑप्शन आ चुका है कि कौन कौन से आइटम पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, उसका इफेक्ट लेजर पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ आप एक एक करके देखिए। यहाँ पे 540 रुपया है, मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट अगर देना है, पहले तो हम 540 का देके देखते हैं क्या होता है। 540, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये देखिए आ चुका है ऑटोमेटिक 540 रुपया। यहाँ पे अब आपको मैनुअली नहीं लिखना है, यहाँ पे ये इतना ही रहेगा, लेकिन टैक्स भी कट गया, और यहाँ पे ये वाला टैक्स जो है ये भी कट गया। और जब ये आप यहाँ पे 0 करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये टैक्स भी आ गया, ये भी यहाँ से हट गया। ये दोनों आप समझ चुके हैं। और यहाँ से आप दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि मान के चलिए 540 रुपया है, और मुझे सिर्फ अब यहाँ पे 200 रुपये का ही अगर डिस्काउंट दे रहा है, तो एंटर कीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए कि 75 रुपया है। एंटर जब ये करेंगे, ये 47 रुपये आ गया, टैक्स घटका, और ये 200 रुपये आ गया, लेकिन 9% वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा है ओके। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि 9% वाले पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं। 9% वाला कोई भी आइटम आप ले लीजिए, मान के चलिए ये ऑयल है 18% का है, यहाँ पे 640 रुपया है। अब मुझे 640 रुपये पे मुझे 640 का डिस्काउंट देना है, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो 9% पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, 12 रुपया आ गया, और यहाँ पे ये 840 रुपया डिस्काउंट एक्सेस हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस दोनों का इफेक्ट देखते हैं कि GST रिपोर्ट में आता है कि नहीं। सबसे पहले कंट्रोल इसे हम सेव कर लें। अब हम यहाँ पे GST रिपोर्ट पे आ चुके हैं, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये अमाउंट मैच करता है या नहीं। इसके लिए कंट्रोल एंड प्रेस यहीं पे करते हैं, और इस दोनों अमाउंट को हम जोड़ते हैं, 484 रुपया, 121 रुपया प्लस 605 रुपया, और यहाँ भी 605 रुपया, बिल्कुल एडजेक्ट आ चुका है, कहीं भी कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, डिस्काउंट का डिस्काउंट हो गया, टैक्स भी एक्स्ट्रा नहीं लगा, टैक्सेबल वैल्यू भी सही है, और प्लस हमारा लेजर भी शो कर रहा है डिस्काउंट ऑन सेल का। अब यहाँ पे हम चलते हैं,
और देखते हैं डिस्काउंट ऑन सेल का लीजर क्या करता है। यहाँ से आ जाइए डिस्काउंट ऑन सेल पे और ये देखिए 840 रुपये का जो मैंने डिस्काउंट दिया है वो यहाँ पे एसेसरीज पे शो हो रही है। तो इस तरह से हम डिस्काउंट ऑन सेल की एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और हर एक रिपोर्ट का भी आप बहुत ही आसानी से जानकारी ले सकते हैं और जीएसटी का रिपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ा है या नहीं वो भी समझ सकते हैं। तो पॉइंट इसमें अब ये रह गया कि हम डिस्काउंट का लेजर कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम डिस्काउंट का लेजर किस तरह से बनाए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आ जाइए कंट्रोल इंटर करके हम दिखाते हैं लेजर कैसे बनाया गया है। डिस्काउंट ऑन सेल को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, टाइप ऑफ लेजर को हम डिस्काउंट कर देंगे और बाकी सब को नोट एप्लीकेबल करके इसे हम कंट्रोल से सेव कर देंगे। इससे ज़्यादा डिस्काउंट के लेजर में कुछ नहीं करना है और इस तरह से हम सारे लेजर को यहाँ से सेव कर लेंगे। इसका इफेक्ट भी अब हम देख लिए हैं कि कहीं भी जीएसटी रिपोर्ट पे नहीं आ रही है। दिसंबर का एंट्री मैंने किया है तो दिसंबर में हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे आ रहा है पूरा 484 रुपया, 121 रुपया और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी मेरा आ रहा है 605 रुपया। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगी हमको 605 रुपया। मतलब कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे लेजर पे और ना ही जीएसटी रिपोर्ट पे। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी डिस्काउंट ऑन सेल की एंट्री करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।